बिहार नवनिर्माण समिति का गठन मोर्चा बिहार नवनिर्माण मोर्चा का गठन हम लोगों ने बिहार के निर्माण के लिए नए सिरे से और जन समस्याओं के लिए लोगों को जोड़कर जगाकर चेतना पैदा कर उनको अहिंसात्मक तरीके से प्रतिकार करने की जो ताकत बढ़ रही है आम जन में उनको जगाने का काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता है बिहार के किसान, बिहार के नौजवान, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, ध्वस्त स्वास्थ्य सेवा और कानून व्यवस्था की तो ऐसी हालात है। कानून व्यवस्था की ये हालात है कि पिछले दिनों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते दिख रहे हैं। मॉब लिंचिंग, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, घटनाएं अनगिनत हो रही हैं और लगता है सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पर इकट्ठे हम लोगों ने कदम उठाने का फैसला लिया है और बिहार के उन तमाम लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया है, चाहे वो किसी भी दल में हो, वो आए। और ये पार्टी नहीं है, ये मोर्चा है बिहार की जनता की, बिहार के आवाम की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ने की। उनके अंदर जो प्रतिकार की शक्ति होनी चाहिए वो प्रतिकार की शक्ति आज बढ़ रही है, इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया है। हमारे जो मुख्य मुद्दे होंगे वो हैं किसानों से संबंधित। उत्तर बिहार बाढ़ और दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में है, हर वर्ष की स्थिति यही स्थिति है। इसके निदान में सरकार असफल है और ऐसी परिस्थिति में बाढ़ और सुखाड़ के किसानों के लिए हम लोगों की ये मांग है कि 25,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा की राशि दी जाए, किसानों के उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिले। यानी स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश किया सरकार को और केंद्र के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा भी किया कि हम किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे, आज तक वो दुगुनी नहीं हो पाई। जो लागत है उस लागत मूल्य का ढेढ़ा मिलने की बात है। अगर 1,000 क्विंटल में धान पैदा होता है, 1,000 खर्च पर 1 क्विंटल, तो उसका 1,500 मिलना चाहिए। 1,500 हो तो 2,250, 2,000 खर्च हो तो 3,000, यानी ढेढ़ा लागत का ढेढ़ा मिले, ये हम लोगों की मांग है कि उस आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार तुरंत ठोस कदम उठावे। सिंचाई की व्यवस्था सुव्यवस्थित की जाए, कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति न्यूनतम दर पर की जानी चाहिए, जो कम से कम दर हो वो किसानों पर लगे। शिक्षा के हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, शिक्षा के मानक के हिसाब से सभी प्राथमिक विद्यालय से महाविद्यालय तक जो कि शिक्षकों की भारी कमी है। विद्यालय को खिचड़ी केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए, समाज का पूज्य व्यक्ति शिक्षक समाज का पूज्य व्यक्ति होता है और सरकार उन्हें पूर्ण समर्थन दे। वैसे ही शिक्षक को शिक्षक माना जाए जो शिक्षक को शिक्षकत्व को धारण करते हैं, यानी उनमें जिनमें योग्यता हो शिक्षक होने की, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो ताकि लोगों को हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा हो। नहीं तो आज माहौल बिगड़ रहा है, जिनको पढ़ाने अपना नाम लिखने नहीं आता है वो स्कूलों के शिक्षक बन बैठे हैं। दरभंगा जूट मिल, कटिहार जैसे अनेकों मिल को खोलकर हमारे नौजवान को रोजगार मुहैया कराई जाए और जो सरकार में रिक्त पदे हैं उन पदों को अति शीघ्र भरे जाएं ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। विधि व्यवस्था को जो हमने शुरू में कहा कि विधि और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इन तमाम मुद्दों पर हम सभी लोग मिलके जो यहाँ इकट्ठे नवनिर्माण मोर्चा में शामिल साथी हैं, हम इस मंच के तहत बिहार के मान सम्मान और बिहार के निर्माण के लिए यहाँ के किसान, नौजवान, बेरोजगार, गरीब, गुरबा, इन तमाम को जो आम जीवन की कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों से त्राण दिलाने के लिए जो सरकार को जो दायित्व है वो नहीं कर रही है, तो सरकार के विरुद्ध हमें अगर संघर्ष भी करना पड़े तो हम गांधी के बताए मार्ग से अहिंसात्मक तरीके से हम लोगों को प्रतिरोध की ताकत पैदा कर संघर्ष का भी हम ऐलान करेंगे और बाकी कार्यक्रम हम आगे घोषित करेंगे।